हे एवरीवन, आई एम सो सॉरी मैं आज आप सबको मिल नहीं पाया। आई हैड सम प्रॉब्लम विथ माई फ्लाइट टिकट्स। आई एम रियली सॉरी, बट एनीवे थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग माई बुक। अच्छा लगता है जब कोई आपके काम को अप्रिशिएट करता है। यू नो व्हाट, दिस वाज सपोज टू बी जस्ट एन अपॉलजी वीडियो, पर क्योंकि आप सबसे मैं मिल नहीं पाया, आई वांटेड टू शेयर समथिंग विथ यू गाइस। एक्चुअली मेरे किताब, माई बुक्स, देयर यूजुअली नॉट लाइक दिस। They're usually fictitious or based on fiction. But there's something different about this one. It's actually based on a true life incident, and I wanted to share with you guys the story behind the story. So I hope you guys stick with me till the end, and I hope I don't bore you guys. So yeah. So the thing is, hua aisa ki kuch mahine pehle I got a new tenant. हाँ भैया, ये हाउस नंबर 36 था ना? हाँ चलो, थैंक यू। डैनियल? हाँ, आप शायद रॉन होंगे। हाँ हाँ, कम इन कम इन। आप थक गए होंगे, आपको आपका रूम दिखाता हूँ, चलो। हाँ चलिए। ये किचन, ये वॉशरूम, ये मेरा ऑफिस, और ये आपका रूम। अच्छा, थैंक यू। हाँ, फ्रेश हो लीजिए, मैं चाय बना के आता हूँ। चाय पीते हो ना? हाँ पीता हूँ। और आप छोड़ो यार, तुम या तू कुछ भी चलेगा। अच्छा ठीक है, चलो। डैनियल, डैनियल चाय रेडी है? चलो पी लेते हैं। हाँ आता हूँ। हाँ बैठो बैठो। ये लो। वैसे आप, आई एम सॉरी, तुम कुछ कर रहे हो? आर यू वर्किंग समवेयर? बीच में। मतलब? एक्चुअली दिल्ली के एक कंपनी में अकाउंटेंट था, लेकिन यहाँ एक बैंक के जॉब के इंटरव्यू के लिए आया हूँ, और गुवाहाटी में ही सेटल होना चाहता हूँ, तो वो जॉब लगभग छोड़ दिया है, इसलिए बीच अच्छा। में। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू। और तुम क्या करते हो? आई एम एक्चुअली अ राइटर। पता नहीं आपने मेरे बारे में सुना होगा कि नहीं, आई एम एक्चुअली रौनक शर्मा। अच्छा, अरे मैंने पहचाना ही नहीं, सॉरी। एक सेलिब्रिटी के साथ रह रहा हूँ, आई डिडंट इवन नो। अरे कुछ ज़्यादा हो गया। अरे नहीं नहीं, आई वॉज रियली हैप्पी। फाइनली एक ऐसा रूममेट मिला जो मुझे सेलिब्रिटी राइटर कम और एक ऑर्डिनरी रूममेट समझता था। और उसकी जॉब भी लग गई थी, तो वो यहीं सेटल हो गया। पर उसी बीच आई स्टार्टेड नोटिसिंग समथिंग। वो घर से बाहर रोज एक ही शर्ट पहनकर जाया करता था। ऐसा नहीं है कि उसके पास दूसरे कपड़े नहीं थे, और वो उस शर्ट को लेकर कहीं अपनी दुनिया में खोया रहता था। ज़्यादातर टाइम उदासी रहता था। उस शर्ट से कुछ ज़्यादा ही लगाव था उसे। फिर एक दिन ऑफिस जाते टाइम उसके शर्ट के पॉकेट से एक आधी खाई हुई चॉकलेट गिरी। मैं उठाने जा ही रहा था कि उसने उठा लिया। मुझे कुछ अजीब सा लगा। फिर उस दिन उसके ऑफिस से आने के बाद मैंने उससे बात की। भाई कुछ परेशानी है क्या? बहुत दिनों से उदास दिख रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं।
अरे यार, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम होता है। पता है क्या हुआ? चल बैठ कर बात करते हैं। बैठ। चल बता क्या हुआ। उसे चॉकलेट्स बहुत पसंद थी। चॉकलेट ना मिलने पर परेशान कर देती थी। डेट्स पे खाती कम थी और फोटो ज़्यादा खींचती थी। कुछ भी हो लेकिन हमेशा सबको खुश रखती थी। सब कुछ ठीक ही था पर न जाने क्यों वो एक ऑथर को लेकर ऑब्सेस सी हो गई थी। दिन रात उसी की बातें करती रहती थी। एंड वन डे आई सडनली गॉट अ टेक्स्ट फ्रॉम हर सिस्टर। उसकी तबीयत खराब हुई एंड शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। और मेरे पहुंचने से पहले ही वो ये उसकी आधी खाई हुई चॉकलेट मेरे घर पे छोड़ के गई थी। आज ही के दिन वो मुझे छोड़ के गई थी। इसलिए थोड़ा सा उदास था। चिंता मत करो, सब ठीक है। Weird, right? आज भी WhatsApp, Instagram, Twitter के statuses and stories के अलावा भी असल में, हकीकत में ऐसी कहानियाँ होती है। चलो, इट हैज़ बिन एन इमेंस प्लेजर शेयरिंग माई स्टोरी। आई एम रियली सॉरी अगेन, बिकॉज आप सबसे मैं मिल नहीं पाया। अगली बुक साइनिंग में फॉर श्योर आई बी देयर। चलो, गुड नाइट एंड टेक केयर। डैनियल, डैनियल, सब कुछ ठीक ही था पर न जाने क्यों वो एक ऑथर को लेकर ऑब्सेस सी हो गई थी। दिन रात उसी की बातें करती रहती थी। ये उसकी आधी खाई हुई चॉकलेट।
मेरे घर पे छोड़ के।